वेलकम टू माय YouTube चैनल, आई एम डेविड सावंत। तो दोस्तों आज हम फिर जा रहे हैं विजिट पे कॉलेज की साइड से, और आज बहुत ठंड है भाई, इसलिए पूरा पैक होकर जा रहा हूँ। देखिए और चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों बस पहुँचने वाले हैं आगे, इधर से होते हुए चल रहे हैं, बड़ी ठंड है आज। तो दोस्तों हम इधर आ गए हैं, सबको इधर आना था और ना पहले आ गए हम गाड़ी से, अभी लोग आ रहे हैं और दोस्त लोग सर लोग भी आएंगे आगे। तो देखिए हमें यहीं पे आना है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है इधर और लोग भी आने वाले हैं, तब उनके साथ दिखाएंगे आपको पूरा फ्लाईओवर यहाँ का। तो दोस्तों देखिए आगे काम चल रहा है यहाँ फ्लाईओवर का, और जेसीबी से बजरी उठाई जा रही है यहाँ से। और ये देखिए दोस्तों यहाँ चल रहा है काम जेसीबी का, और फ्लाईओवर का काम इधर चल रहा है, काफ़ी सामान पड़ा है। देखिए दोस्तों ये जो टैंकर है इसमें पानी होता है, ये रोड में डाला जाता है जिससे रोड ऊपर ना है। तो योगेश भाई आज हम कहाँ हैं? आज हम कैशपुर में, यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है सामने, ये रेलवे फाटक है, यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है और यहाँ पर विजिट लेना है। अच्छा तो आज मज़ा आएगा नहीं आएगा? हाँ तो आज बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे यहाँ, सब जाने वाले हैं, काफ़ी चीज़ों से लगा चाहिए, इसके लिए हमको बुलाया जा। चलिए फिर आज बहुत मज़ा आने वाला है, ये बहुत मजा आएगा, चलो फिर आगे चलते हैं। तो इन्हें गर्डर्स कहते हैं जो ये है, और उन्हें पियर्स कहते हैं, और पियर्स क्या कहते हैं उसे। दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पे, इनका व्लॉग बन रहा है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग, अब यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों आज हम किधर आए? आज हम फ्लाईओवर के राइड पर के। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और हमारा आज यहाँ पे विजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप दिखा दो, आप इनको आगे जाके दिखाएंगे आपको कैसा सीन है आगे का। दोस्तों इधर सब जा रहे हैं हम लड़के लोग, आगे जाकर सर मिलेंगे हमें, फिर ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा हमारा सीधी। देखिए दोस्तों फाटक लगाया तो आगे काफी जाम लग चुका है आगे तक, और हमें साइड साइड से होकर जाना पड़ रहा है। और ये देखिए ये है ब्रिज के नीचे का एरिया, काफी अच्छा है। तिवारी भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है, बिना बिना चाय के बिना खाना खाए हमें यहाँ आ गए। खाना भी नहीं खाया है, बताओ सुबह सुबह बुला लिया है। बताओ साने आलम क्या हुआ? साने भाई ने हमें चाय पिला दिया, चाय पी के थोड़ी बहुत राहत मिली है, थोड़ी एनर्जी आ गई बॉडी। दोस्तों सब उधर खड़े हैं, ब्लॉग यहाँ बनेगा। ये रहा अनन्या, मशीन हाथी उठाने की मशीन, कितनी बड़ी है मशीन? बहुत बड़ी है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा जहाँ गैप है वहाँ पे लगा रहे हैं आप? दोस्तों ये दिहाड़ी कर रहा है यहाँ पे, पढ़ाई वढ़ाई कई फाड़ में। ताने कितने मिल रहे हैं आपको दिन के? आपसे मिलने वाले हैं आप 150 रुपया देगा। बहुत ही सफाई से काम कर रहा है, इसकी सिफारिश कीजिए क्या अंकल जी? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सिविल इंजीनियर बनने से पहले आप सबको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्नी चला दी आ रही चाहिए सबसे पहली बात तो। ये देखो आप सिविल इंजीनियर बनने से पहले कन्नी पकड़ आ रही चाहिए, ये काम बहुत बढ़िया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बच्चे, इसका मालिक हूँ मैं। ये रहा एक लौता वारिस इस होटल का, इसकी गाड़ी आ रही है देखिए। आलीशान महल है अंदर। ठीक है दोस्तों ये और बाकी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ब्लॉग में आ रहे हो गाइस तुम? हेलो हेलो हेलो, लाइक सब्सक्राइब, लाइक बिग फैन गाइस, बिग फैन बिग फैन, मैं ऑटोग्राफ, भैया ऑटोग्राफ, भैया ऑटोग्राफ, ओह माय गॉड, वाओ। देखिए दोस्तों सब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ मैम बता रही है हम सुन नहीं पा रहे हैं, काफी दूर है, हम समझेंगे सब सर आ जाएंगे। Guys, समझ में आ रहा है कुछ आपको? आप इनके ब्लॉग देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अरे नाइस। तो दोस्तों ये समझा रहे हैं कुछ यहाँ पे, हमें सुनाई नहीं दे रहा मगर समझ में आ रहा है। एक्शन। ये देखिए 23 मीटर, और इसमें कल फोर्थ सैंपलिंग होगी, उसके लिए मशीन आई नहीं, कल अभी आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा।
गुड बाय, गया। बहुत बढ़िया जगह आए हैं आज हम, बिल्कुल सराहने वाले हैं। तो सेकंड ईयर बच्चे भी आ चुके हैं और थर्ड ईयर दोनों आ चुके हैं इधर, और आगे चलते हैं। दोस्तों सर आ चुके हैं और सर बताएंगे हमें अब क्या क्या हो रहा है इधर। जा रहे हैं दोबारा, कितनी भीड़ है देखिए, पूरा पॉलिटेक्निक आ चुका है इधर। बताइए आज हम कहाँ हैं? आज हम आए हैं फ्लाई ओवर कहते हैं इसे शायद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये देखिए दोस्तों, नीचे का एरिया ट्रांसफर हो गया है पहले जी सर। हेलो मैम, 2004 चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रास्ता हम चढ़ चुके हैं फ्लाईओवर के ऊपर, सब चले लग रहा है दोस्तों की पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए सब यहाँ चढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसके कौन सा स्पान है और कितना मीटर में है ये? मैं जा रहा हूं गाइस, देखता भी क्या होता है, लाइक कर देना। टायर नहीं टूटता, अरे वो गिना था। बहुत बढ़िया बोर्ड ने यहां पे बहुत लंबी सीढ़ी पार कर ली। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान। आराम से आना बॉस, छुट्टी हो जाएगी नहीं तो। देखिए हम मौत के ऊपर खड़े हैं, काफी शानदार है। तो देखिए ये रास्ता नीचे का एरिया ब्रिज के, और काफी शानदार एरिया। देखिए दोस्तों सेकंड थर्ड ईयर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं हम, ये ब्लॉग बना रहा है लड़का, हम भी ब्लॉग बना रहे हैं जी। ये रहे हमारे एनएसजी कमांडो डेविड रावत, भावी छात्र, भावी एनएसजी कमांडो। नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें लेवलिंग करते हैं, थोड़ा लाइट जैसा लग रहा है ये, मगर काफी शानदार बता रहे हैं कि कैसे दिखा जाता है इसमें से। और इसमें देखिए बताएंगे सर हमें कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ से देख के बताएंगे कैसा लगेगा इसमें, हम भी देखेंगे बाद में हमारी चांस आएगी तो। वो वहाँ पे जूम, वो देखिए वहाँ पे, उसमें देखना है हमें यहाँ से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सरिया मोड़ा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बाहर को मोड़ा जा रहा है इधर। चलाइए भैया चलाइए चलाइए। ये अब ये जाके ये सब रखे पड़े हैं, ऐसे सारे सड़कों को मोड़ा जाएगा। यहाँ पे बार्स को मोड़ा जाता है जिससे कि ऐसे बार्स बनाए जाते हैं जो गर्डर्स में लगते हैं। भाई आपके लिए सवाल है, अगर वो पूरा एरिया ढह गया तो कितने दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी? देखो साहब साफ सीधी बात है, यहाँ दो कक्षा के बच्चे हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 दूने कितने हो गए 100, 100 में से 1, 2, 3, 4 लौंडे यहाँ है। 2000 years later. बहुत अच्छी भाई, 21 दिन। दोस्तों देखिए मौत का पुल, नीचे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है भाई। कटियार साहब वीडियो बना दोगे? कटियार हेल्प कर। दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया, वैसे भी मौसम तो लेट ही आए हैं यार, नहीं बच्चे ने। बहुत अच्छा लगा, हमारी काफी कुछ सीखने को मिला है, काफी अच्छा लगा। उम्मीद है जल्द बन जाएगा।